नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। गली नुक्कड़ पे आपको भेल खाने को जरूर मिलेगी, पर ये जो भेल आज हम बनाने जा रहे हैं ये आपको गली नुक्कड़ पे नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं कॉर्न भेल। सबसे पहले हम डालेंगे कॉर्न। ये 2.5 कप कॉर्न है जिसको हमने पानी में उबाल के थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट तक रखा है और फिर इसका वाटर ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज बारीक। इसके बाद जाएगी एक बड़ी कटी हुई शिमला मिर्ची पीले रंग की। अब हम डालेंगे लाल शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई। इसके बाद हम डालेंगे बीन स्प्राउट्स। अब हम लेंगे भेल की पूड़ी और इसे हम क्रश करके डालेंगे। अब हम डालेंगे उबले हुए 2 आलू। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। लहसुन की चटनी, अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये है हरी चटनी। ये हरी चटनी हमने कोथमीर की बनाई हुई है, इसमें पुदीना बिल्कुल नहीं डाला। और ये है हमारी इमली और गुड़ की चटनी जो ऑल टाइम फेवरेट है सबकी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस भेल में आप चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हो, आप ककड़ी भी डाल सकते हो, कोई भी वेजिटेबल आप डाल सकते हो, मटर बॉईल करके डाल सकते हो। ये चॉइस आपकी है, आपको जौन सी भी सब्जियां पसंद है आप डाल सकते हो। जब भी आप भेल बनाएं तो चटनियां हमेशा लास्ट में डालिए सर्व करने से पहले, तो क्या है इस भेल में अच्छा से क्रंच रह जाता है। अब हमारी भेल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, कोथमीर, धनिया, और लास्ट में हम डालेंगे भेल की सेव। तो ये रही हमारी कॉर्न भेल एकदम तैयार, एकदम झटपट से बन जाती है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। सो ये रही हमारी कॉर्न भेल तैयार। इसे जरूर बनाइएगा और हमें लिखिएगा कि ये कैसे बनी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को स्वाद अनुसार। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।